सुप्रभात बच्चों, बच्चों देखो आप लोगों को पता होगा कि आज मैं आप लोगों के समक्ष क्यों आई हूँ। दरअसल मेरा उद्देश्य आप लोगों से संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और उसको अपनाने का है। मेरा कहना इसलिए हुआ, मेरे मन में ये इच्छा इसलिए जागी क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मैं आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ आप लोग बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। जब मैं गाना सिखाती हूँ आप खुश होते हैं, और इसी के साथ साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि देखो संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारी जीभ एक प्रकार से एक एक्सरसाइज करती है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा शब्द लेते हैं क्रीडनकम, इसमें आपने देखा क्रीडनकम, जीभ हमारी पूरी नृत्य कर रही है। ऐसी कोई अन्य भाषा हमें नज़र नहीं आती है संसार में जो इस प्रकार एक्सरसाइज भी करवाती है। इसकी ध्वनि के साथ ये बात बहुत पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि ध्वनि के द्वारा ही कि किस प्रकार का श्लोक है, अगर वो शांत रस का है तो शांत दिखेगा, मनुष्य को आभास होगा शांति का। अगर वो रौद्र रस उसके द्वारा प्रकट हो रहा है ध्वनियों के माध्यम से तो आप लोग उसको भी महसूस करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये हमारी संस्कार को हमारे जो है परिमार्जित करने के लिए, हमें बहुत अच्छे उपदेशों को देने के लिए सूक्तियों के माध्यम से, सुभाषितों के माध्यम से जीवन को कैसे जिया जाए, ये सारी बातें हमें संस्कृति सिखाती है। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सभी में आचार्य, गुरु, माता पिता, इन सब के साथ कैसा बर्ताव करना है, चाणक्य नीति हमें जीवन के हर पहलू पर कैसे हमें कदम कदम पर शिक्षा देती है कि कैसे जिया जाए, और भी बहुत सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी जैसे जैसे हमारा वक्त आगे बढ़ता जाएगा। केवल एकमात्र यही एक ऐसी भाषा है जो केवल ना केवल जो है हमें जीवन में जीने का संदेश देती है अपितु गणित का भी हमें ज्ञान देती है, उसके अलावा राजनीति का, बहुत सारी बातों का हम इसके माध्यम से व्यवहार करना सीखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बाकी अंधेरा है ये पल गवाना ना, ये पल ही थोड़ा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू तो आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये पल है, जो भी है बस ये पल है। इस गाने के साथ सब पवना कथितम प्रेम युगले सदा एव स्नेहे वसिष्याम, ये सरजिनी ये तनद्य नदीनाम तटानी गंधपूर्ण पवन कियत शोभनम दृश्यते आद्य रजनी, कियत शोभनम दृश्यते आद्य रजनी, एते बद्धे तु हस्ते
मदोन्मत्ति नयने शृणुवायावति आनन्दं जीवने ईशरजनी तनद्य नदीनां तटानि गन्धपूर्ण।